बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 13 मई शनिवार के दिन आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा संग दिल्ली में इंटीमेट फंक्शन में सगाई की थी। इस कपल की एंगेजमेंट की तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वहीं कहा जा रहा है कि परिणीति राघव इस साल के एंड में शादी कर सकते हैं। इसी के साथ इस जोड़ी के हनीमून प्लान को लेकर भी चर्चे शुरू हो गए हैं। चलिए जानते हैं परिणीति और राघव हनीमून के लिए कहां जाएंगे। बॉलीवुड सेलेब्स अपनी शादी से लेकर हनीमून डेस्टिनेशन को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। फिलहाल इन दिनों परिणीति और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ही छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस जोड़ी के हनीमून प्लेस को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस बारे में अभी कुछ ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन हम आपको कुछ हिंट जरूर दे सकते हैं कि ये कपल अपने हनीमून पर कहाँ जाने वाला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपल ग्रीस या मालदीव्स पे हनीमून के लिए जा सकता है। ये दोनों ही जगह बेहद खूबसूरत है। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि कपल अपने हनीमून के लिए कहाँ जाएगा। परिणीति और राघव की पसंद की बात करें तो दोनों की चॉइस बहुत मिलती है। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है और अपनी प्रोफाइल में भी दोनों सिकंदर है। दोनों वाकई एक दूसरे के साथ काफ़ी जचते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे परिणीति और राघव की सगाई की इनसाइड वीडियो इस बात की तस्दीक भी करती है। वीडियो में दोनों ही एक दूसरे में खोए नजर आए हैं। यहाँ तक कि जब एक्ट्रेस ने अपने राघव के लिए गाना गाया तो पॉलिटिशियन अपनी लेडी लव को प्यार से किस करते भी नजर आए। ऐसे में फैंस भी इनकी जोड़ी से बेहद खुश है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।